और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ। पंडित जी, क्या हुआ? क्या मैं एक बात पूछूं? यहाँ पे आज 142 औरतें आई हैं, लेकिन पंडित जी आपके पास यहाँ सिर्फ 137 मिठाइयाँ हैं। इसका मतलब 5 औरतों को मिठाई नहीं मिलेगी। ये काले चनों से भरा बर्तन हमारे घर पर भी है, इसमें लगभग 8710 काले चने रख सकते हैं। आप हर एक को अपनी मुट्ठी भर के 65 चने एक बार में दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही चने देते रहे तो 8 औरतों को चने भी नहीं मिलेंगे। जो काम मैं सालों से कर रहा हूँ उसे कैसे करना है तू बताएगा? जा यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से। भाई, जैसा उस लड़के ने कहा था, 5 औरतों के लिए मिठाई कम है और 8 औरतों के लिए चने नहीं बचे हैं। अरे वाह, क्या बात है! इतने छोटे से लड़के ने सिर्फ देख के ही इतना सही अनुमान कैसे लगा लिया? लक्ष्मी की कृपा से मेरा नाम रोशन करो। ये क्या है मिस्टर सुबैया, टाइम टेबल बनाने में भी इतनी गलतियां कैसे कर लेते हो? कितने सेक्शंस में इंग्लिश टीचर नहीं है, कितने में तो बायोलॉजी नहीं है। एक काम करो, इसे कचरे में फेंक दो। आप एक काम कीजिए, एक बार मेरी बीवी से पूछ लीजिए। मैंने अकेले ही पूरी रात काली करके बिना किसी की मदद के ये वाला टाइम टेबल तैयार किया, इसके बाद भी मुझसे गलती हो गई। मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, इसको परफेक्ट बनाने के लिए किसी कॉलेज के प्रोफेसर से बोलिए। आप प्रोफेसर कहाँ से लाऊं? 2 हफ्ते का टाइम और ले लो, इसे ठीक से करके लेकर आओ। जाओ। रामनुज, कहाँ जा रहे हो? क्लास में जा रहा हूँ। सर, एक मिनट सर। रामानुज, मेरे साथ चलो। सर, सुनो ना, मेरे साथ चलो। सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हेडमास्टर के रूम। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, गणित का शेर है ना तू। जरा ये स्कूल का टाइम टेबल सेट करके बताओ। हर क्लास के कितने सेक्शन है? फर्स्ट क्लास में ABCD, सेकंड क्लास में ABC, थर्ड क्लास में ABCD, फोर्थ में ABCDE और फिफ्थ क्लास में ABCDEF। मतलब पूरे 22 सेक्शन हुए। हाँ। टीचर्स कितनी होंगी? 36 टीचर्स हैं। कौन सा टीचर कौन सा विषय लेता है इसमें लिखो। बेटा बैठ कर लिखो ना। सर, टाइम टेबल शीट। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए सर। नॉट अ सिंगल मिस्टेक, ब्रिलियंट। रामानुज, तुम क्या कर रहे हो? बर्नौली के नंबर पर रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है। अरे सर, आप एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हायर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटा, स्कॉलरशिप एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ मैथ्स से ही काम नहीं चलेगा। इंग्लिश, रोमन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने होंगे ना, और ये सब करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ही बाकी है रामानुज। अरे भाई, इतनी रात को इतना ध्यान लगाकर क्या कर रहे हो? मैं पार्टीशन नंबर्स पर खोज कर रहा हूँ। पार्टीशन नंबर्स पर? वो क्या? एक नंबर को बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक को एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दो को 1+1 करेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा, 3 को 3 भी लिख सकते हैं, या 2+1 या 1+1+1 भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर हम सारे नंबर्स को इसी तरीके से लिखे जैसे अभी लिखा मैंने, तो 5 को 7 तरीकों से, 6 को 11 तरीकों से, 7 को 15 तरीकों से, 15 को 176 तरीकों से, और 176 को, क्या आप बता सकते हैं कि इसके कितने तरीके होंगे? नो, मुझे कैसे पता होगा? आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अगर 15 को 176 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 176 को लॉजिकली कम से कम 1000 तरीके से तो लिख ही सकते होंगे ना? नहीं सर, 176 को 4,76,71,58,57,290 तरीकों से लिख सकते हैं। ओह माय गुडनेस, आपने इतनी आसानी से हल कर दिया, आप तो एक जीनियस हैं। जीनियस?
लेकिन इस जीनियस को कॉलेज से निकाल दिया गया। पिताजी ने भी निकाल दिया और मेरे गांव वालों ने भी। आप कहाँ के रहने वाले? कुंभकोणम। और कहाँ जा रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता। सुना है गणित में दिलचस्पी रखने वाले की मदद करने वाला एक आदमी विशाखापट्टनम में रहता है, मैं बस उसी के पास जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये बात है, ऑल द बेस्ट। हमने जो प्रोजेक्ट लिया उसे वक्त पर खत्म करना होगा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मिस्टर रामानुजन, हम बाद में बात करेंगे। यस सर, यस सर। आइए। हाँ, कल रात तुम्हारी किताब पढ़ी, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा पेचीदा लगा, बाद में ध्यान से पढ़ा तब समझा। तुम्हारा गणित हम जैसे साधारण लोगों के समझ के बाहर है, उसे समझने में मुझे पूरी रात लग गई, तब कुछ समझा। तुम साधारण ही नहीं, ओरिजिनल मैथमेटिशियन हो। सॉरी, कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। मुझे बस आजादी चाहिए सर, रोजी रोटी के चक्कर से मैं आजादी चाहता हूं। जब ये आजादी मुझे मिलेगी ना, तभी मैं बिना कुछ चिंता किए सिर्फ और सिर्फ अपनी गणित की दुनिया में शांति और सुकून से रह सकूंगा सर। पहले तुम्हारे रोजी रोटी का ख्याल रखने के लिए महीने के 25 रुपए मैं तुम्हें अपनी जेब से दूंगा। इसके अलावा मद्रास में अच्छी नौकरी भी दिलवाऊंगा, लेकिन गणित का तुम्हारा काम रुकना नहीं चाहिए। गणित की दुनिया से बाहर मत आना, ठीक है ना? रामानुज सर। अरे बैठो बैठो बैठो, चेयरमैन ने खुश होकर तुम्हें कमरा दे दिया है, अब यहाँ पर बैठकर मैथमेटिकल रिसर्च करो। वैसे लंदन में लेटर भेजा था क्या? हाँ भेजा था। उसका यह जवाब आया है। प्रोफेसर हॉबसन बहुत ही बिजी लगते हैं, तुम्हारा लेटर उन्होंने खोल कर भी नहीं देखा और वापस यहीं भेज दिया। ये क्या है? हाँ, प्रोफेसर बेकर, ये भी बहुत बड़े हैं, उन्होंने भी तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम दूसरे लिफाफे में उन्होंने तुम्हारा लेटर भेज दिया। ये इंग्लैंड वाले प्रोफेसर बहुत ही कठोर दिल के लगते हैं। क्या हुआ रामानुज? देखो बेटा, ऐसी बातों से मन छोटा मत करो, इन अंग्रेजों को बहुत फॉर्मेलिटी लगती है, अगर कोई चीज उनके काम की नहीं होती है तो उसकी तरफ वो देखते भी नहीं है, लेकिन तुम अपना काम चालू रखना। अरे लंदन में प्रोफेसर्स की कमी थोड़ी है, तुमने इतना कुछ लिखा है ना, उन्हें कुछ और भेज दो। हाँ, मन छोटा मत करो। हाँ, कम इन। देखो, मैं तुम्हें रिकॉर्ड सेक्शन में काम करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस नौकरी की वजह से मेरा पूरा परिवार चलता है सर, आज के बाद मैं ऑफिस के समय दूसरा और कोई काम नहीं करूंगा। प्लीज सर, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। माय डियर फेलो, मैंने कहा रिकॉर्ड सेक्शन में तुम काम नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं कर सकते, ऐसा मैंने थोड़ी ही कहा। टेक योर सीट मिस्टर रामानुज, प्लीज सिट डाउन। यस, आई वेंट थ्रू योर नोटबुक्स एंड यू आर अ रादर इनक्रेडिबल मैथमेटिकल विजेट, अमेजिंग। तुम्हारे जैसे जीनियस को रिकॉर्ड सेक्शन में इस्तेमाल करना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी ना मिस्टर अय्यर? सर, Give him a separate room. आज के बाद तुम official काम नहीं करोगे, बल्कि mathematical research ही करोगे Mr. Ramanuj. तुम्हारे level की mathematics को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए you send your discoveries to professors in London. तुम्हारे शोध के लिए Madras University के support मैं दिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
Okay, what a fellow. Mr. Ramanuj, I truly believe Cambridge is the best place for you. Professor Hardy ke nimantran ko swikar karke, aap London chale jayein. Yahi hum sabki ichha hai. अगर आप लंदन में आकर अपनी रिसर्च को पूरा करेंगे तो मैं जानता हूँ कि आपका इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। आपकी जो भी कंडीशन है हमें मंजूर है। वहाँ जाने के लिए मुझे कोई परीक्षा देनी होगी क्या? आप पूछना क्या चाहते हैं? अगर परीक्षा होगी तो मैं उस परीक्षा में पक्का फेल हो जाऊंगा। My dear fellow, no, you won't. आपकी कोई कंडीशन है क्या? मुझे लंदन जाने के लिए सिर्फ नामागिरी माँ की इजाजत चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी हम दोनों जाकर उनसे बात कर लेंगे और आपको इजाजत दिला देंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। ये नामगिरी माँ सिर्फ रामानुज की माँ ही नहीं है बल्कि ये पूरे नामाकल गांव की कुल देवी है। इट्स अ डेटी। मिस्टर अय्यर, क्या ऐसा हो सकता है? सर, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। Go to Namakkal with Ramanuj and obtain clearance. Hmm. This is an important official duty for you. हाँ हाँ ठीक। डॉक्टर, रामानुज के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए क्या? नर्स। डॉक्टर। Bring me the test results of Mr. Ramanujan. Yes sir. टेस्ट वेस्ट छोड़िए, मुझे आपसे एक सवाल करना था। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है क्या? किसने कहा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है मिस्टर रामानुजन? मैं कहता हूँ तुम्हारी मानसिक स्थिति एकदम सही है। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अभी कभी एक सर्टिफिकेट दीजिए। अरे मैं ऐसे कैसे तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँ? मेंटल कंडीशन देखने के लिए टेस्ट नहीं किया था। अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज मिस्टर नोबिस, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही तो है। इट विल मीन अ लॉट टू हिम, प्लीज। ठीक है तुम्हें सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए ना, दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। अब इस सर्टिफिकेट को पॉकेट में रख के कॉलेज में आराम से घुमा करूंगा। अगर किसी ने मुझे पागल कहने की हिम्मत की ना तो उसके मुंह पे ये सर्टिफिकेट मारूंगा। चैटर्जी, इसे बाहर लेकर जाओ। डॉक्टर, रामानुज गणित का बहुत बड़ा जीनियस है लेकिन कभी कभी वो एबनॉर्मल बिहेव करता है। वैसे उसके टेस्ट रिजल्ट्स में क्या है डॉक्टर? रिजल्ट्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त को टीबी है। देखो भाई, ऐसा मुझे संदेह है। सैनेटोरियम में उससे एडमिट करना होगा क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपके नाश्ते का वक्त हो गया है। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, मैं वेजिटेरियन हूँ वेजिटेरियन हूँ वेजिटेरियन हूँ, मैं ये नहीं पी सकता हूँ। आपको ये पीना पड़ेगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप समझते क्यों नहीं मिस्टर रामानुज? मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, समझिए आप। ओह माय गॉड, डॉक्टर, डॉक्टर! तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ रहने के लायक बिल्कुल नहीं हो। ये छठा हॉस्पिटल है जहाँ तुम एडमिट हुए हो और हम तुम्हें तुम्हारे घर का या गांव में बना हुआ खाना नहीं दे सकते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो यहाँ रहो, नहीं तो तुम खुशी से जा सकते हो। Go to some other hospital. डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। okay. डॉक्टर प्लीज नाराज मत होइए, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। हम उसे न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, उसे नहीं खाना तो क्या वो उसे फेंकेगा? रामानुज, तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तुम इस तरह जिद क्यों कर रहे हो? नोबिस, मैं उन्हें थोड़ी रसम बनाने बोल रहा हूँ, सादा चावल ही दे दे, पर वो लोग मेरी बात मानते ही नहीं है। एक तो ठीक से पकाते भी नहीं है, कच्चा चावल देते, एक सस्ता केला ही दे दे। मेरी कोई मांग पूरी नहीं होती, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ का खाना। रामानुज, अगर घर का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम भूखे मर जाओगे क्या? ये लोग जो दे रहे हैं वो भी न्यूट्रिशियस खाना है, उसे खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है।